हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के 3.60 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड कैरिंग अ चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन। द डिस्टेंस बिटवीन द थ्रेड एंड द प्लेन इज इक्वल टू एल। The modulus of the vector of force acting on the unit length of the thread is, यानी आपको इस thread के unit length में लगने वाले force को calculate करना है। So कैसे हम calculation करेंगे, एक बार समझें कि ये एक infinite plane है और इस infinite plane के सामने एक thread इस plane से l distance पर रखी गई है। ये thread भी infinite size की है, infinite length है इस thread का। आपको इस थ्रेड के यूनिट लेंथ में फोर्स कैलकुलेट करना है उन चार्जेस के कारण जो इंड्यूस हुए हैं इस इनफाइनाइट प्लेन में। अब यहां ध्यान दें कि इस इनफाइनाइट प्लेन में इंड्यूस्ड चार्ज नॉन यूनिफॉर्म होंगे और उन नॉन यूनिफॉर्म चार्जेस को पता करके उन सभी के कारण इस थ्रेड की यूनिट लेंथ पे फोर्स निकाल के उनका सम करना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है। सो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, इससे पहले भी कई सवालों में ऐसे कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम इमेज मेथड लगा चुके हैं। सो इस प्रॉब्लम में भी उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम इमेज मेथड यूज करेंगे। इमेज मेथड के अकॉर्डिंगली इस इनफाइनाइट प्लेन और इस थ्रेड के बीच में बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को बिना बदले अगर इस इनफाइनाइट प्लेन को रिप्लेस करना हो तो एक ऐसे थ्रेड को बनाया जा सकता है जो कि इस इनफाइनाइट प्लेन से सिमिलर डिस्टेंस पर अपोजिट साइड हो। सो अगर मैं इस इनफाइनाइट प्लेन से एल डिस्टेंस अपोजिट साइड एक माइनस लैम्डा डेंसिटी का थ्रेड बनाऊं, यहां पर लैम्डा इस थ्रेड की डेंसिटी गिवन है। सो ऐसा करने से इन दोनों थ्रेड के द्वारा इस रीजन पे वैसी ही इलेक्ट्रिक लाइन क्रिएट की जा सकती है जैसी इलेक्ट्रिक लाइन ये प्लेन और ये थ्रेड मिलके क्रिएट कर रहे थे। एक बात और ध्यान दें कि इस तरह के कैलकुलेशन केवल उस रीजन पे किए जा सकते हैं जिस रीजन पर वो थ्रेड प्रेजेंट है जिसके कारण चार्ज इंड्यूस हुआ है प्लेन में। इस तरफ के रीजन में इस थ्रेड को लगाने के बाद जो लाइन्स डेवलप होंगी वो पुराने कॉन्फ़िगरेशन से टैली नहीं करती है, इसीलिए ऐसे कैलकुलेशन इस साइड एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक बात यहां पर आप और समझे कि इस तरह के चेंज करने से इस इनफाइनाइट प्लेन के इक्विपोटेंशियल होने के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ा है और जो इलेक्ट्रिक लाइंस पहले इस इनफाइनाइट प्लेन के परपेंडिकुलर आती थी वो इस थ्रेड को रखने के बाद भी इस रीजन पर उसी तरह से मूव कर रही है। सो हर तरह से ये थ्रेड रखने से इस इनफाइनाइट प्लेन को रिप्लेस कर सकते हैं हम इस रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब ध्यान दें हमें इस इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इस थ्रेड के यूनिट लेंथ पर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इस बदले हुए पिक्चर में अब मैं इस थ्रेड के कारण इस थ्रेड के यूनिट लेंथ पर फोर्स कैलकुलेट करूंगा। हमें इस प्रॉब्लम में उस फोर्स वेक्टर के मॉड्यूलस को कैलकुलेट करना है थ्रेड की यूनिट लेंथ के लिए। तो ध्यान दें कि किसी इनफाइनाइट थ्रेड के कारण ये मैं एक थ्रेड बना रहा हूं जिसे इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड प्रेजेंट किया गया है, तो आप इसे एक पॉइंट के रूप में देख पा रहे हैं। हम जानते हैं कि एक इनफाइनाइट थ्रेड अगर उसमें लैम्डा डेंसिटी का चार्ज है तो अपने से आर डिस्टेंस किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को 2k लैम्डा अपॉन r इनटू r कैप वेक्टर से दिया जाता है। और आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला लैम्डा की पॉजिटिव नेगेटिव सभी वैल्यूज पर वेक्टोरियली एप्लीकेबल है। सो यही फॉर्मूला अगर मैं इस थ्रेड के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस थ्रेड के किसी पॉइंट पर अप्लाई करूं तो क्या वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, एक बार आप देखें वो वैल्यू होगी 2k लैम्डा को मैं माइनस लैम्डा लिख रहा हूं और चूंकि इस थ्रेड से इस थ्रेड की लोकेशन पे यूनिट वेक्टर को कुछ इस तरह से शो करना पड़ेगा तो इस नॉर्मल डायरेक्शन को आई कैप मानते हुए मैं इसे माइनस आई कैप से प्रेजेंट करूंगा और डिवाइडेड बाय मुझे सेपरेशन लिखना होगा तो ये 2l गिवन है।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो निगेटिव लैम्डा डेंसिटी की थर्ड पॉजिटिव डेंसिटी की थर्ड के लिए डेवलप कर रही है वो कुछ इस तरह से है। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये थर्ड इस थर्ड के लिए डेवलप कर रही है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें इस थ्रेड की यूनिट लेंथ पर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि इस थ्रेड के यूनिट लेंथ में अगर मैं किसी स्मॉल चार्ज पार्टिकल DQ को इमेजिन करूं तो इस डायरेक्शन में बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं आई कैप वेक्टर को देख के कह रहा हूं, सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस छोटे से DQ पर लगने वाले फोर्स को लिखा जा सकता है DF वेक्टर इक्वल टू DQ इनटू E वेक्टर। और हम देख पा रहे हैं कि E वेक्टर में सभी टर्म कांस्टेंट हैं, सो अगर मैं इस टर्म को इंटीग्रेट करूं तो नेट फोर्स वेक्टर का वैल्यू E वेक्टर इनटू नेट चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द थ्रेड आना चाहिए। यानी जितनी लेंथ पर आपको फोर्स निकालना है बस आपको उतनी लेंथ का चार्ज पुट करना होगा। सो इस क्यू के प्लेस पे मैं 1 मीटर का चार्ज यानी लैम्डा इनटू 1 प्लेस कर रहा हूं, सो ये फाइनल आउटकम आ जाना चाहिए फोर्स वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ई वेक्टर। एक बात स्टूडेंट ध्यान दें कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लिखते समय हमने लैम्डा का साइन एसोसिएट किया था उसके साथ में, और यही वजह है कि जब हमने इस थ्रेड से डिस्टेंस वेक्टर को चुना तो उसे माइनस आई कैप से प्रेजेंट किया। कई बार स्टूडेंट अपना दिमाग भी दौड़ाता है और माइनस भी लगाता है तो उसमें गलती का चांस रहता है। जैसे उदाहरण के लिए एक बच्चा माइनस लैम्डा अगर इस एक्सप्रेशन में लिख देता और बाद में ये जस्टिफिकेशन देता कि सर ये नेगेटिव थ्रेड है तो इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा, और दिमाग लगा के इसको आई कैप लिख देता तो उसका आंसर गलत हो जाता। आधा काम मैथमेटिक्स के भरोसे छोड़ दिया और आधा आप दिमाग लगा रहे हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन में मिस्टेक होगी। अगर आप लैम्डा को साइन दे चुके हैं तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मैथ्स के भरोसे छोड़ दें, यानी इस थ्रेड से डिस्टेंस वेक्टर को जिस डायरेक्शन में वो दिख रहा है आप उसी डायरेक्शन में लिखें। वहां पर आप ये माइंड मेकअप ना करें कि सर ये निगेटिव है तो फील्ड इधर को आना चाहिए। अगर फील्ड को इधर को आना होगा तो मैथमेटिक्स उसको ऑटो कैलकुलेट करके सही डायरेक्शन में बदल देगी। आप आधा काम दिमाग लगा के और आधा मैथ्स लगा के नहीं कर सकते। अगर आप मैथ्स के स्टेप लेंगे तो पूरा मैथ्स का स्टेप लेंगे। हाँ, अगर आप इस माइनस लैम्डा को खाली लैम्डा लिखते, केवल मैग्नीट्यूड शो करते, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंगली इसे आई कैप में प्रेजेंट कर सकते थे ये एक्सप्लेनेशन देके कि सर डायरेक्शन तो इसी तरफ होगी मैं जानता हूं। अगर आप इस वे में काम करते हैं कि भाई मैं तो जानता ही हूं डायरेक्शन इधर को होगी, तो आप मैग्नीट्यूड लिखते वक्त माइनस को ना आने दे बीच में, क्योंकि अगर माइनस आएगा कैलकुलेशन में तो फिर आपके द्वारा लिखी हुई डायरेक्शन को इन्वर्ट कर सकता है। तो इस पॉइंट पर सेंसिटिव रहे, ये दोनों माइनस लिखाने की टेक्निक मैं आपको समझा रहा हूं, और कई बार मैं मैग्नीट्यूड लिख के अलग से डायरेक्शन लिखने का तरीका भी बताता हूं। हर तरीके पर पकड़ बनाए रखें, कुछ भी काम आ सकता है एग्जाम पॉइंट पर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इतना आया है और अब इसकी वैल्यू मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं तो मैं देख पा रहा हूं कि ये फाइनल आंसर होना चाहिए के लैम्डा स्क्वायर बाय एल इनटू आई कैप। और अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो कुछ इस तरह से दिया जा सकेगा फोर्स के मैग्नीट्यूड को इस थ्रेड के यूनिट लेंथ के लिए। सो इसका सही आंसर जो गिवन है वो है लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। तो के की वैल्यू को अप्लाई करते ही इस सही आंसर को पता लगाया जा सकता है। सो इस तरह से इमेज मेथड का यूज करके इस प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।